श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की तरफ से 12 फरवरी से 18 फरवरी तक साईं दास स्कूल ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में जालंधर पंजाब में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी आ रही। तैयारियों संबंधी पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर केंद्रीय से विधायक रमन अरोड़ा, महेश मखीजा, राजू मदान, राहुल बाहरी ने बताया कि श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन साई दास स्कूल की ग्राउंड पटेल चौक में 12 फरवरी से 18 फरवरी शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक दिन भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का वर्णन किया जाएगा और 18 फरवरी को इस कथा का समापन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कथा में आने वाले श्री कृष्ण भक्तों के बैठने के लिए सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाएगा जो वाटरप्रूफ के साथ साथ सभी के आकर्षण का केंद्र बनेगा। विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि इस बार होने वाली दूसरी श्रीमद् भागवत कथा इतिहास रचेगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था श्री देवी तालाब मंदिर सहित साईं दास स्कूल के आसपास के धार्मिक संस्थानों में होगी। उन्होंने सभी शहरवासियों को कथा में उपस्थित होकर प्रभु चरणों में हाजिरी लगवाने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा और कुश चावला की रिपोर्ट। एक बार फिर श्रद्धालुओं को भागवत कथा नाल जुड़न वास्ते कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार वालों एक वड्डा उपराला किया जा रहा है। इसी उत्ते गलबात करने लई साडे नाल मौजूद है सेंटर हलके दे विधायक रमन अरोड़ा जी। गलबात करने रमन जी, एक बार फिर वड्डा उपराला जिहड़ा है किया जा रहा। सब तो पहला सारी संगत को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद के नाल श्रीमद भागवत कथा 12 फरवरी तो लैके 18 फरवरी तक साईं दास स्कूल ग्राउंड पटेल चौंक जलंधर विखे हो रही है। उस उपलक्ष्य दे विच अज सारा इकट्ठ किया गया। जिहड़ा पंडाल लगाया जाएगा किन्ने बाय किन्ने दा होएगा? ये शुरुआती तौर पर जिहड़ा पंडाल है 120 फुट चौड़ा और 260 फुट लंबा वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है। जय किशोरी नूं सुनने वास्ते काफ़ी संगत बाहरों भी आएगी, उन्हां लई सेफ्टी लई की इंतजाम किए गए ने? डीसी साहब, पुलिस कारपोरेशन, पुलिस कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर, सिविल सर्जन साहब, SDM साहब, फायर ब्रिगेड, हर चीज़ नूं असीं लैटरां लिख के भेज दिते। उन्हां दी सारी सुरक्षा जिहड़ी है यकीनी बनाउण वास्ते असीं सारा उन्हां दे नाल इक मीटिंग भी कर ली है, जिहड़ा वधिया अच्छे तरीके दे नाल सारा कार्ज होएगा। हाँ, जिहड़े श्रद्धालु बाहरों आएंगे उन्हां दी ओह किथे ठहराए जाणगे? जिहड़े भगत बाहरों आएंगे उत्थे श्री देवी तला मंदिर भी जगह वा, पंडाल दे विच भी है और पंडाल दे आले दुआले काफ़ी जिहड़ियां जगह असीं लित्तियां वा, उत्थे संगत आ के रुक सकदी। जय किशोरी नूं सुनने वास्ते संगत तां काफ़ी आएगी, मगर पार्किंग दा की अरेंजमेंट होएगा, ओह किथे किथे होएगा? पार्किंग बिल्कुल जिथे ग्राउंड है उहदे बिल्कुल सामने साईं दास स्कूल दी दूसरी ग्राउंड है, उत्ते बिल्कुल फ्री पार्किंग दा असीं प्रबंध कीता। पब्लिक दी उत्ते गड्डियां काफ़ी लग जाणियां, कोई भी उत्ते वैले पार्किंग होएगी, किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आन दित्ती जाएगी। होर श्रद्धालुआं वास्ते की फैसिलिटियां इंतजाम कीते गए ने? देखो, श्रद्धालुआं वास्ते उत्ते एक तां असीं मैडिकल कैंप उत्थे लगाउणे, एंबूलेंस उत्थे साडी रहेगी तां कि किसे कोई अनपछाती घटना ना वापर सके। उस तों बाद
ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇਮੰਦ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ 2500-2500 ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।